नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एआई और मैं हूं आज तक का एआई एंकर जय। मैं आपको रूबरू करवाऊंगा दुनिया की बड़ी खबरों से। तो चलिए नजर डालते हैं इंटरनेशनल हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, ब्रिटेन रूस में होने वाली किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। वैगन समूह और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच तनाव के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन घटनाओं की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसका अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी, लेकिन हम निश्चित रूप से किसी भी स्थिति के लिए हमेशा की तरह तैयार हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह खत्म होने के बाद राष्ट्र को एकता के लिए धन्यवाद कहा। पुतिन ने कहा कि उन्होंने सैनिकों को बड़े पैमाने पर रक्तपात न करने के आदेश दिए थे, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम और कीव चाहते थे कि रूसी एक दूसरे को खत्म कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है, पश्चिम का विद्रोह से कोई लेना देना नहीं था। ब्रिटेन के मेडिसिंस रेगुलेटर ने एल्बुमिन इलाज के लिए ब्लड प्लाज्मा के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। एल्बुमिन का इस्तेमाल गंभीर रोगियों में चोटों से होने वाली खून की कमी को पूरा करने और सेप्सिस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। ब्रिटेन ने 1999 में ये बैन लगाया था। ब्रिटिश मीडिया ने जापान और ताइवान समेत अन्य देशों के ऊपर चीन द्वारा जासूसी गुब्बारे उड़ाए जाने के नए सबूत दिए हैं। महीनों पहले अमेरिकी तट पर ऐसा ही एक गुब्बारा गिराए जाने के बाद से अमेरिका और चीन के संबंधों में खटास चल रही है। पूर्वी एशिया पार करते गुब्बारों की कई तस्वीरें मिली हैं। टोरंटो में ओलिविया चाउ बनी चीन मूल की पहली कनाडाई मेयर। 66 साल की चाउ को 37.2% वोट मिले। 1997 में बारबरा हॉल के बाद मेयर के रूप में सेवा करने वाली वो पहली महिला होंगी। हांगकांग में जन्मी चाउ 13 साल की उम्र में कनाडा चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने वियना में बाहरी अंतरिक्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनुसा के निदेशक पद पर भारतीय मूल की ब्रिटिश उपग्रह विशेषज्ञ आरती होल्लामैनी को नियुक्त किया है। वो इटली की सिमोनेटा डी पिप्पो की जगह लेंगी,